मुजफ्फर अली की वाइफ से मिले हैं। बेटा पिंपल मेरे बिल्कुल ठीक हो गए। मैं ऐसे चलूंगी वो ऊपर से ऐसे उठ जाएगा जैसे ऑटो उठ जाता है ना तीन पहिया वाहन। ओ एवरीवन, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज हम कहीं जा रहे हैं लोकेश की मामी के कुछ आई डोंट नो वो काम क्या है, मैं जब मैं पूछूंगी भी कार में बैठने के बाद जब वो लोग बैठेंगे। तो हम फरीदाबाद वाली रोड पे जा रहे हैं बस मुझे ये पता है। चलो हमारे साथ चलो, आज का दिन देखते हैं कैसा होगा। और मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, सर सारे अंदर हैं मैं बाहर हूँ। लाओ अंकल ये पकड़ना, मामी मामी ये पकड़ते जाओ सारा। थैंक यू अंकल, अंकल दो और दे देना, कपड़ा होगा नहीं मेरे को दे दो, मैं कर देती हूँ साफ। चलो भाई ये पूछ लेते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं, और मुझे पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं हम। नहीं ये तो यार ये तो बनता है हाउस ऑफ कोतवारा। हाउस ऑफ कोतवारा लाउडर कोतवारा हाउस ऑफ क्या है वहाँ पर क्या है? इट्स अ ब्रांड स्टूडियो ऑफ थ्री डिजाइनर्स। अच्छा अच्छा, तो हम बस वहाँ देखने के लिए जा रहे हैं, साइट सीइंग टाइप। अच्छा क्या खरीदने जा रहे हैं? आ जाओ आप, तुम आ, तुम्हें ले ले कैमरे में। तो लक्की कह रहे हैं हम उसको खरीदने जा रहे हैं, देख लेते हैं हम उसको खरीदते हैं या नहीं खरीदते। और जहाँ कह रहे हैं लोकेशन क्या है? ग्वाल पहाड़ी। ग्वाल पहाड़ी जा रहे हैं, वो गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में एक गांव है, उस जगह का नाम ग्वाल पहाड़ी है। लेट्स गो, लेट्स गो। आपको पता है हमारी, हम कभी सफाई रखते ही नहीं अपनी गाड़ी की, कार की गई नहीं जितनी गाड़ी गई ये हमारी गाड़ी गिर गई। वो अच्छा इससे भी ज्यादा पहाड़ देख रखे हैं उसने। दो आए क्या? अच्छा एक वहाँ से भी है, ये फैशन डिजाइनर का कोई हाउस है। यही है। अच्छा थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है? वो तो चांदन नोला में ऑफिस है साहब का। एक एड्रेस तो यहीं का दिया हुआ है, एड्रेस यही है, स्टूडियो है, ये बस फार्म हाउस है, ये फार्म हाउस है। अच्छा स्टूडियो वहाँ पर है? स्टूडियो भी इसी में, इसी में स्टूडियो। तो आते हैं बच्चे यहाँ सीखने? ओ माय गॉड ब्यूटीफुल प्लेस, ले देके हमें जंगल ही मिल जाते हैं। भगवान को पता है हमें क्या चाहिए दुनिया में। ये मुजफ्फर अली का स्टूडियो है, ही इज़ द फाउंडर। तो उस ये लोग बात कर रहे हैं गार्ड से, एज इट इज संडे ना तो कोई है नहीं यहाँ पे। देखो यार पेड़ ही पेड़, मज़ेदार सीन है ये, देखो ऐसे ही पेड़। तो हम मिला है जिनसे हमें मिलना था, मतलब हम स्टूडियो देखने आए थे, हमने स्टूडियो देख लिया है। अब ये रिया की कॉल है कि रिया को यहाँ पे आना है या नहीं आना है। तो हम मुजफ्फर अली की वाइफ से मिले हैं। तो रिया ने हमें बताया, अरे मीरा मैडम, इसने मजा आ गया इसको, उस मीरा को देख के ये खुश हो गई है। रिया क्या सीन है, तू आएगी फिर यहाँ पे या नहीं आएगी? अभी सोचेंगे। दूर है मामी? नहीं मेरे को रिया नहीं। मामी मैंने आपके पिंपल ना दिखाए ना लोगों को, फिर कहना ठीक हो गए। चलो देख लो यार क्या करना है, चलो देखते हैं अब हम क्या करेंगे। बट हमें, मुझे बेसिकली वो एरिया देख के, स्टूडियो देख के बेहतरीन मजा आया। और जब लास्ट में उस मीरा मैडम ने मेरे को कहा कि अंदर मत जाना, अंदर सारे कुत्ते खोल रखे हैं हमने आज, तो मैं वहीं से बाहर आ गई हूँ। प्लान बन गया, हम मैकडोनल्ड से कुछ खाएंगे एज यूजुअल, मैकडोनल्ड बहुत खाते हैं। तो उसके बाद वी विल गो बैक टू होम। हाँ आज यान बिठा हुआ इसमें, वही हमें बढ़िया सी एक बस मिल गई है। चौ चौड़ जा, भाग के जा। अरे खाने की बस है। अरे भाग के जा जल्दी। ऐसे उड़ जाएगा जैसे ऑटो उड़ जाता है ना तीन पहिया वाहन। ऐसे चलो ऑटो।
भाई मैकडोनल्ड में ना ये सब चीजें मिल रही हैं, पता नहीं क्या ये चश्मा है और ये मुझे पता नहीं है क्या है, बट आई कैन सी दैट दिस इज वॉच ऐसा कुछ करके है। ये कह रहे हैं ले जाओ बिल्कुल फ्री सेवा। अब जियान को जाके देखती हूँ कैसा लगता है ये सब। हाँ जियान क्या चीज है ये? किसी को नहीं आ रहा ये पूरा, जियान को आ गया। ये कैसा लग रहा है? ये कितने है? ये देखो भाई बच्चे एक्सेसरीज का यूज कर रहे हैं, जियान को तो पसंद आ गई है एक्सेसरी, जियान को पता चल रहा है। ये कितने? ये कितने? ये ओ माय गॉड। देखो भाई ये ना मैं बहुत सारे ले आई हूँ, हमारे घर के बाहर जो बच्चे हैं ना उठा लाई हूँ, उन्होंने दी नहीं है, मैं उठा के चोरी करके लाई हूँ। तो ये मैं अपने जो गली के बाहर बच्चे हैं ना जिनके साथ जियान खेलता है उनको दूंगी। कर दो बाय। तो अब हम घर आ चुके हैं और घर के लिए हम सब फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे मार्केट से, तो और आज जियान के लिए हम स्पेशल मैक्रोनी बना रहे हैं। भाई उसने कहा आज मम्मा मैक्रोनी खानी है और हम सब के लिए बॉयल हो रहे हैं, देखते हैं। उसके बाद अभी प्लान बन रहा है हम थोड़ा सा बाहर घूमने जाएंगे, देखते हैं क्या होगा। हाँ चलो अब वहाँ पे भी चलना है। अरे काली माता के मंदिर भी जाना है? नहीं। क्यों नहीं? चलना पड़ेगा। बंद कर इस टीवी को, आके देखना। चलेगी सेम, मैं चला दूंगी जियान, मैं चला दूंगी। अरे मैं चला दूंगी ना, मैं चला दूंगी, मैं चला दूंगी। आ जा मेरे साथ, आ जा चल जल्दी। हाँ टीवी वापस आ गया, कि 2 मिनट का काम है, आ जा जल्दी। आ है क्या? मम्मा आ रही है। मम्मा के स्लीपर्स कहाँ है? क्या जियान की फ्रेंड आई है क्या? आपको वो पत्ते पे पत्ता खेलना है? वो कहाँ है? वो शायद पापा के पास था ना। जाओ बेड बैग से ले आओ, जियान की फ्रेंड आई है उसके साथ खेलने के लिए। मैक्रोनी बन रही है, डालो मम्मी। चला दिया साथ है, साथ साथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं जियान? ओ माई गॉड, इंग्लिश में याद कराना वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट हिंदी में दे आर वेरी कम्फर्टेबल। वेन विल यू स्टार्ट प्लेइंग? कोशिश करो कि बिना चीटिंग के खेलना जियान, इनके ऊपर रखते हैं। सेम अगर आ गया तो वो आपका हो जाएगा, इनका सेम आ गया तो इनका हो जाएगा। ओ देखो 2 के ऊपर 2 आ गया, तो ये किसका आ गया? आपका हो गया। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मुझे मत लियो तुम व्लॉग में, ही इज वेरी कैमरा शाय। भाई और बहनों मैं आ गई हूँ सेक्टर 14 एंड ऐसा रश है 14 में, पार्किंग आधे घंटे बाद मिली है और क्या गजब का रश है, जैसे माल फ्री बट रहा हो, फ्री खाने पीने से लेकर मतलब झुमका वुमका पता नहीं क्या, लोग इतनी शॉपिंग कर लेते हैं और अमेजिंग टू सी द रश क्राउड एवरीथिंग। दिखा देते हैं तुम्हें भी एक बार। ये फ्रूट से आइसक्रीम बन रही है, कॉफी वाला। भाई हमने लिया है एक ये ग्रेवी मोमोज, ये है शॉप सर ले लो। थैंक यू। ब्लॉग करते हैं, बहुत बीमार हूँ अभी भी, ये ले रही हूँ अपना और दवाई भी साथ रखी हुई है। आई एम नॉट डूइंग वेल एट ऑल। अब करते हैं कल का ब्लॉग शूट, देखते हैं कल क्या होता है। मैक्सिमम चांसेस हैं जियान की बुआ विल कम एट आर प्लेस टुमारो, लेट्स सी। सो मिलते हैं अब कल।